क्लास फिफ्थ हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर फोर नन्ना फनकार। वह लड़का एक चौको लाल पत्थर के पास बैठ गया। एक लड़का था, एक बॉय था। लड़का मीन्स बॉय। एक बॉय चाकोर स्क्वायर शेप के पत्थर के पास बैठ गया और वो रेड कलर का था, लाल रेड पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। उसने भगवान के लिए कुछ कहा और छेनी हथौड़ा उठाया और अपना काम करने लगा। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटी वो की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। कुछ ही दिन हुए थे उसने ना घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू ही किया था। बस लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। उसने एक घंटी बनाई थी और वो आधी बनी थी। लड़के ने उस पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी की। नक्काशी करना पत्थर या फिर लकड़ी पे कुछ नकाशना, कुछ उकेरना। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचित छितरा जाती और वह आंखें सिकुड़ लेता। जब वो हथौड़ मारता छेनी पर जो छोटे छोटे पीस उड़ते उस टाइम वो अपनी आंखें बंद कर लेता, आइज क्लोज कर लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। वो धीमी धीमी आवाज़ में मतलब हल्की हल्की आवाज़ में कुछ गाने लगता। उसने चारों ओर दूसरे संघर्ष भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। उसके साथ जो उसके और साथी थे ना वो भी अपने अपने कामों में डूबे हुए थे नक्काशी में। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। केशव एक लड़का था जो 10 साल का था, बस वो अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीर वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेड़ लेता था। अगर उसके पिताजी उसको करके दिखा देते तो वो सीधी लकीरों वाले या फिर घुमावदार डिज़ाइन उकेड़ लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब तक जो भी उसने पत्थर पर उकेरा था उनमें से जो घंटियाँ बनाई थी उनको बनाना सबसे मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नाफिस बेल बूटे, कमल के फूल लहराते हुए साफ और फिल्टर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। और केशव को पता था कि एक दिन वो बारीक मतलब मोटी जालियाँ, महीन नाफिस बेल बूटे, कमल के फूल फूल लहराते हुए साफ ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे, कुछ इसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे। कई साल पहले मतलब बहुत मैनी ईयर एगो, कई साल पहले मैनी ईयर्स एगो जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब जब उसका जन्म नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। उसके जो फादर, उसके जो पेरेंट्स थे वो आगरा से मेरा मतलब गुजरात से आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। ये जो बादशाह अकबर थे ना वो उस टाइम आगरे का किला बनवा रहे थे। केशव के पिता को यही काम मिल गया केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। ये जो केशव का जन्म हुआ था वो आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो मौका
का तो कभी मौका ही नहीं मिला, मतलब वो जो आगरे में हुआ था, तो उसके जो पुश्तैनी गांव था गुजरात में, मतलब पुश्तैनी जो उसके पूर्वज पूर्वज उसके दादा परदादा रहते थे, वो उसको वहाँ जाने को का मौका तो मिला ही नहीं था। आगरे की गलियाँ अब सीकरी, बस उस यही उसका घर था। आगरे की ये जो गलियाँ थी और सीकरी थी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई पड़ी। ये छेनी हथौड़े से काम करते हैं उसमें कुछ ऐसी आवाज़ आती है ठक ठक खड़ खड़, ये आवाज़ों के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी नहीं लग रही थी, सुनाई भी नहीं पड़ रही थी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर चौंक गया। फिर इसलिए वो अचानक उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी तो वो चौंक गया, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, कोई बोला माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है या ये तुमने खुद बनाई है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। केशव पीछे मुड़ा और आंखें उठाई तो उसको एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही घंटियाँ बनाई हैं, बेशक मीन्स बिना शक के ये घंटियाँ मैंने ही बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा। केशव बोला आदमी को, क्या मैं आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं ही पत्थरों को उकेर रहा हूँ, दिखता नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, मैं क्या आपको दिखता नहीं मैं ही पत्थर पर तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया, दिखता तो है, मतलब उसको दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो, ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, वो स्माइल करते हुए बोला, केशव बोला मैं 10 साल का हूँ, 10 साल 10 ईयर्स, मैं 10 ईयर्स का हूँ। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, वो आदमी एक पास पड़ा था पत्थर उस पर बैठ गया और बोला 10, अच्छा तब तो काफ़ी बड़े हो, तब तो बहुत बड़े हो, काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। जब वो आदमी 13 ईयर्स का था उसने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, जब वो पत्थर पर बैठ गया तो केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, और जो उसकी एज थी वो 30 ईयर्स से ऊपर रही होगी। कंद मंजोला था, वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था, वो एक वाइट कलर का अंगरखा जो मतलब यहाँ से नेक से शुरू होता है और पैर तक होता है, अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे, गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरीके से ढके हुए थे। लगता था कि बहुत बड़ा आदमी है, केशव को लग रहा था कि बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियां को देखते हुए सोचा, जो उसने नेक में बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी हुई थी और उंगलियों की अंगूठियां देखते हुए उसने सोचा, तीखी नाक बड़ी बड़ी आंखें होठों को धकेलते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी को व्यक्तिवक्त का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नकाशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो केशव है ना वो उसका मुआयना कर ही रहा था, जबकि आदमी एक नकाशी की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस लड़ी में कभी
अभी काम बाकी है, ये जो कोई लड़ी बना रहा था उसमें अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव को जवाब देता, केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। बस महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, पहरेदार बोला, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। वो जो पहरेदार था उसको, मतलब ये जो आदमी था उसके आने का पता ही नहीं चला। हाफते हुए उसने कहा, मतलब डरते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर बोचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला बेवकूफ़ खड़ा हो, उसने बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? ये जो हुजूर आला के सामने तूने बैठने की ज़रूरत कैसे की? झुककर सलाम कर, इन्हें नमस्कार कर। अब केशव का माथा थनका, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, मतलब उसको कुछ कुछ समझ आ रहा था। बैधवा वासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी, और डर के कारण उसकी छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। जब छेनी गिरी वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, उसने मन में सोचा, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया। जब उसको ये ख्याल आया तो उसने झुककर सलाम कर दिया और खरगोश की सी कातर नज़रों में अकबर को देखने लगा। और मतलब कि खरगोश जैसी नज़रों में वो अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी, मतलब ये दोनों बातें कर रहे थे और बीच में ये पहरेदार आ गया, ये बात अकबर को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। ये अकबर ने ना ये पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। ठीक है सिपाही, वो बोले, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, मतलब कुछ देर के लिए हमारे पास मत आना। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असंभव में था। पर ये जो केशव था वो असंभव में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करें, या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार में खड़ा रहे, या बादशाह जब बोलेंगे उसके इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, मतलब उसका दिल अभी भी धक धक कर रहा था, पर अब वो डरा नहीं हुआ था। क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, वो उसको प्यार से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट ये जो इसके आगे का चैप्टर है वो हम पार्ट टू में करेंगे। बाय फ्रेंड्स।